हवाई युद्ध प्रशिक्षण में नकली विरोधियों के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात करना शुरू कर दिया है। यह पायलटों को तेजी से गणना करने वाले कंप्यूटरों के खिलाफ अपने निर्णय लेने और युद्ध कौशल को सुधारने का मौका दे रहा है, जबकि AI प्रत्येक जुड़ाव से सीखते हैं। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार कई मौकों पर अपने तैनात मानव विरोधियों को पहले ही सर्वश्रेष्ठ कर चुके हैं। पर्यवेक्षकों ने सोमवार को कहा कि पायलटों को कुशलता से प्रशिक्षण देने के अलावा AI को चीन के भविष्य के युद्धक विमानों का एक अभिन्न अंग होने और युद्ध के फैसलों के दौरान पायलटों की सहायता करने की उम्मीद है। PLA सेंट्रल थिएटर कमांड वायुसेना के संबंध एक विमानन ब्रिगेड ने गर्मियों में पहले एक प्रशिक्षण सिमुलेशन आयोजित किया था, जिसमें एक ब्रिगेड समूह के नेता और पिछले टकराव युद्ध अभ्यास के विजेता फैंग ग्वाओ के AI के खिलाफ एक नकली हवाई लड़ाई में मार गिराया था। एक सिमुलेटर में विमान PLA दिल्ली ने शनिवार को सूचना दी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब प्रसिद्ध पायलट को AI द्वारा बाहर निकाला गया है, और फैंग एकमात्र इक्का नहीं है जिसे AI ने पिछले वर्षों में हराया है। PLA दिल्ली ने कहा कि नकली प्रशिक्षण शब्द दक्षता को बढ़ावा दे सकता है, लागत बचा सकता है और उड़ान के जोखिम को कम कर सकता है, और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ दुनिया भर की प्रमुख सैन्य शक्तियों के लिए प्रशिक्षण सिमुलेशन का लाभ उठाना एक सामान्य लक्ष्य बन गया है। गुआयु ने कहा कि AI प्रौद्योगिकी आधिकारिक ऑटोनोमिक एरियल कॉम्बैट सिमुलर को संयुक्त रूप से ब्रिगेड और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किया गया था, और यह पायलटों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। AI पायलटों से भी सीख रहा है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्र से डेटा एकत्र करता है। सबसे पहले AI के खिलाफ जितना मुश्किल नहीं था, लेकिन डेटा का अध्ययन करके प्रत्येक जुड़ाव इसे सुधारने का मौका बन गया, गोयू ने कहा। आउटलोट ने कहा कि यह पायलटों को इन सिमुलेशन को जीतने के लिए तेजी से नवीकरण रणनीति विकसित करने के लिए मजबूर करता है।